दोस्तों इस तरीके का थंबनेल बनाना चाहते हैं, पूरा वीडियो पे बने रहे शुरू से लेकर एंड तक, तभी आप लोग को समझ जाएगा कि कैसे कैसे मैं बनाता हूँ प्रोफेशनल टाइप थंबनेल। चलिए पूरा वीडियो पर बने रहिएगा, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पिक्सल ऐप में जाना है, कैंसिल इसको कर देना है, डिलीट कर देना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक किया, इमेज साइज इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, यूट्यूब थंबनेल यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको लेंथ को बढ़ा लेना है पूरा एकदम, ऐसे बढ़ाने के बाद ओके कर देना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, कलर पर क्लिक करना है, कलर पर क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर देना है, इनेबल करने के बाद इसको ब्लैक कर देना है, ब्लैक करने के बाद ओके कर देना है, ओके करने के बाद यहाँ पे इसको क्लिक करना है, यहाँ पे इसको क्लिक करना है, इसको लॉक कर देना है, लॉक करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, गैलरी में आ जाना है, ओके पर क्लिक कर देना है, इसको साइज को फुल कर देना है, अच्छा तरीका से आप लोग कर लीजिएगा, इसको साइज बढ़ा देना है, और यहाँ पे क्लिक करना है, कलर पे क्लिक करना है, कलर पे क्लिक करना, इसको इनेबल कर देना है, इनेबल करने के बाद जो आपको कलर रखना है कलर रख सकते हैं, चलिए मैं अपना हिसाब से रख लेता हूँ, चलिए मैं यही रहने देता हूँ, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के इसको लॉक कर देना है, लॉक करने के बाद वो आपको फोटो लाना है, तो फोटो कहाँ से लाइएगा, चलिए मैं फोटो को ले लेता हूँ, यहाँ पे फिर से प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद गैलरी पर जाना है, अपना जो फोटो डाउनलोड किया हूँ वो ले लेता हूँ, यहाँ पे लेने के बाद इसको ऐसे क्रॉप कर लेना है ताकि शॉर्ट वीडियो लगे, ऐसे कर देना है, देन यहाँ पे ऐसे करना है, इसको अच्छा तरीके से सेट कर लेना है, फिर से वैसे ही आना है, गैलरी पे आना है, दूसरा फोटो को ले लेना है, ऐसे कर देना है, ऐसे यहाँ पे अच्छा तरीके से सेट कर लेना है, चलिए मैं जल्दी जल्दी सेट करके दिखा दे रहा हूँ खाली, अब इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर देना है, और साइज को 4 पे रख देना है, ओके कर देना है, फिर से इसको ऐसे करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको इनेबल कर देना है, तो 4 कर देना है, इसको भी फिर ऐसे करना है, इनसे ऐसे इनेबल कर देना है, 4 पे रख देना है, फिर ओके कर देना है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, देन यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको लॉक कर देना है, लॉक करने के बाद अब आपको फ़ोटो को लाना है, तो फ़ोटो कहाँ से लाइएगा, इनसे यहाँ पर क्लिक करना है, प्लस का आइकन पर यहाँ पे क्लिक करने के बाद गैलरी पे आ जाना है, तो क्रॉप करके इसको अच्छा तरीके से यहाँ पे सेट कर लेना है, चलिए मैं सेट करके दिखलाता हूँ कैसे सेट करना है, ऐसे करने के बाद अब स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर देना है, और इसको कम कर देना है पूरा, यहाँ पर वाइट को सेलेक्ट कर लेना है, और इसको प्लस पर दबाते जाना है, ऐसे हो गया, और इसको माइनस करना है, हो गया, ओके पर क्लिक करना है, अब आपको टाइपिंग करना है, लिखना है इस पर, ठीक है, लिखना कैसे है, फिर से यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर डबल टाइप करना है, और इसको डिलीट कर देना है, अब आपको जो भी लिखना है लिख सकते हैं, लिखने के बाद अब इसको फॉन्ट को चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद फॉन्ट पे आना है, फॉन्ट पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, फॉन्ट को चेंज कर देना है, चेंज हो गया, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा फॉन्ट, अब इसको कलर करना है, तो कलर कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है, यहाँ पे कलर पे आ जाना है, जो भी कलर रखना चाहते हैं वो कलर रख सकते हैं, चलिए मैं कलर जो भी मनपसंद के रख देता हूँ, यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और प्लस का आइकन पर क्लिक करके ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ऐसे करके यहाँ पे क्लिक कर देना है,
अभी ब्लैक ब्लैक में धुल जा रहा है तो इसको ब्लैक पर क्लिक करेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको अच्छा तरीक़ा से सेट कर लेंगे। अच्छा तरीक़ा से आप लोग सेट कर लीजिएगा। कलर बदलने के बाद इन सब प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके डबल टाइप करना है, जिससे इसको डिलीट कर देना है, फिर से टाइपिंग कर देना है आपको। ओके करने के बाद यहाँ पर फिर से आ जाना है, इसको लेंथ को बढ़ा लेना है अच्छा तरीक़ा से। फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स फिर से इसको ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, लंबा बढ़ा देना है। अब ऐसे इसको बढ़ा देना है। इसको अंदर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे नीचे की तरफ कर देना है। अंदर हो गया। अब इसको ऐसे कर देना है, इसको कलर कर देना है, ब्लैक कर देना है। इसको फॉन्ट चेंज करना है तो चेंज करने के बाद फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको अच्छा तरीके से बैठा के इसको डबल टाइप करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, फिर से टाइपिंग कर देंगे, ओके करेंगे और इसको कलर को चेंज कर देंगे। चलिए मैं वाइट कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। वाइट कर दिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फिर से इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको और इसको डबल टाइप करेंगे और यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे, फिर से टाइपिंग कर देंगे 100% मोनिटाइज। इसको ओके कर देंगे और इसको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, इसको छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद इसको ऐसे इस तरीके से अच्छा तरीके से बैठा लेना है और प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है, इसको ऐसे कर देना है, इसको गोला कर देना है हल्का सा। यहाँ ऐसे कीजिएगा तो गोला हो जाए। ओके क्लिक कर देना है और इसको कलर करना है, पीला कलर में कर देना है। पीला मैं कर दिया, ओके कर देना है, छोटा कर देना है, इसको अच्छा तरीका से सेट कर लेना है। इसको अंदर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ कर देना है। 100% जो लिखा हूँ उसको ब्लैक कर देना है, अच्छा लगेगा। चलिए मैं ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक कर दिया, इतना अच्छा लग रहा है। इस तरीके का आप लोग बना सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अब आपको आना है इधर लगाने के लिए पैसा। पैसा कहाँ से लाएंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लस का आइकन पर गैलरी पर आ जाना है, पैसा को ला लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि पीएनजी इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, स्क्रॉल करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। इसको इनेबल कर दीजिएगा, हो गया पीएनजी, हो गया ना। अब इसको अच्छा तरीक़ा से इसको ऐसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसको यहाँ पे क्लिक करना है, इसको ऐसे कर देना है, नीचे की तरफ कर देना है, हो गया। इस तरीक़ा से आप लोग थंबनेल बना सकते हैं। आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।